नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है, आज धनतेरस का त्यौहार है, 2 दिन बाद दिवाली है। तो ऐसे कुछ साधारण से नियमों का पालन करें, साधारण से रेमेडीज का पालन करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी। और ये पूरे घर के लिए भी है और व्यक्तिगत खुद के लिए भी है। तो आज मैं 3 ऐसी रेमेडी बताऊंगा, जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना आसान था जो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने आभा मंडल को शुद्ध करें। सबसे पहला काम, अपने ऑरा को क्लीन करें। बहुत सारे तरीके होते हैं। जो लोग रोज़ सुबह खाली पर मिट्टी में चलते हैं, धूप में निकलते हैं, सनलाइट में निकलते हैं, उनका ऑरा शुद्ध ही है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नेगेटिव माहौल में रहते हैं या परेशान हैं, टेंशन एन्जाइटी से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मन व्याकुल है और आपको लग रहा है कि ऑरा भारी है, तो उस कंडीशन में ऑरा को शुद्ध करें। शुद्ध करने के 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ। एक तरीका है मिट्टी से स्नान करें, मड बाथ जिसे कहते हैं, मिट्टी को मल कर नहा लें। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, साइड करते हैं इसे। दूसरा तरीका ले लेते हैं, हल्दी, दूध और हल्दी का पेस्ट बना लें और उससे अपने पूरे शरीर में बढ़िया से ऐसे मल के, उबटन की तरह मले और नहा ले। स्पेशली शरीर के जो कोने होते हैं, जैसे नेवल होता है, नाभि होती है, हमारा हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं, गुप्तांग होते हैं, वहाँ हर जगह पे अच्छे से मल के साफ करके नहाए, ताकि शरीर से सारी नकारात्मकता जो हमारे आभा मंडल में फैली हुई है वो धुल जाए। आप चंदन के पेस्ट बना कर भी, चंदन और दूध और चंदन मिला करके भी कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला करके भी बढ़िया पेस्ट बना के कर सकते हैं। सिर विर सबको अच्छे से धो लीजिएगा, अब हम मंडल बिल्कुल साफ हो जाता है। रेमेडी नंबर 2, डिक्लटर कर दें घर को। करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर की साफ़ सफाई हर दिवाली में होती है, बढ़िया पेंट होता है घर में, चीज़ों को हटाया जाता है, लीपा जाता है, पोता जाता है बढ़िया से। मतलब वो लिपा पोता वाली बात नहीं जो आजकल बोलते हैं, गोबर से लिपा जाता है, चूने से पोता जाता है, जो पुराने ज़माने में होता है अभी भी होता है। तो जो भी घर का सामान बहुत लंबे समय से किसी जगह पे रखा हुआ है, उसे थोड़ा सरकाएं, 5-7 इंच ऐसे सरकाएं नीचे, इसकी सफाई करें और फिर उसको उसकी जगह पर रख लें। मतलब चीज़ों को हिला डुला कर, सरका कर क्लीन करें। जो पर्दे हैं बहुत लंबे समय से एक ही पोजीशन में लगे हुए हैं, उन्हें निकालें, वॉश करें या धूप दिखाएं, वापस टांग दें। तो ये तरीके से घर का ऑरा भी क्लीन होता है। हमारे सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में गोबर से लीपा जाता है घर के दरवाजे पे, गोबर से उसे क्लीन किया जाता है तो उसकी शुद्धि होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में वो नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट धनतेरस से ही रोज़ दीपक तो जलाएं अपने घर पे, है ना। तुलसी पूजन तक रोज दीपक जलाएं, जिससे घर का आभा मंडल शुद्ध होता रहता है। साथ ही साथ गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, नहाने के पानी में कर सकते हैं, पोछा लगने वाले पानी में कर सकते हैं। नहाने पानी में अजीब लगे कोई दिक्कत नहीं है, पोछा वाले पानी में डाल दीजिए, घर को पोछा लगा लीजिए। गौमूत्र अर्क मार्केट में मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड हैं जिसके गौमूत्र अर्क मिलते हैं। लेकर आइए, एक ढक्कन पानी में डालिए, साफ कीजिए घर को, गौमूत्र से क्लीन कर लीजिए, घर का आभा मंडल क्लीन हो जाएगा। अब आते हैं व्यक्तिगत, क्या कर सकते हैं। रात रानी या चंदन का इत्र लें और अपने नाभि में लगा लें। जी हाँ, नाभि में लगा लें और शुक्र पर्वत में भी लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाभि में ज़रूर लगाना। इस पूरे दिवाली, जो 5 दिन की जो दिवाली होती है, रोज़ साफ कपड़े पहनना, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने कपड़े कोई दिक्कत नहीं है, फटे कपड़े, फटा हुआ कपड़ा है लेकिन सिला जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी स्थिति परिस्थिति जैसे भी हो, फटा हुआ कपड़ा भी अगर आप सिल के पहन रहे हैं, लेकिन साफ करके, बढ़िया प्रेस करके, इस्त्री करके अच्छे से पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज़ नया धुला हुआ कपड़ा पहने दिवाली के इन 5 दिनों में, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कैसे कृपा बरसा रही है। एक बोनस टिप भी लेते जाइए, कौड़ी का प्रयोग करें। एक लाल कपड़े में काली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी, जैसे भी आपके पास कौड़ी हो, उसे रख करके, उसमें लपेट करके, उसे अपने घर के मुख्य द्वार पे ऐसे टांग दें। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहीं भी कील ठोक करके टांग सकते हैं, और इससे आप माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करेंगे। यानी कि ये माता लक्ष्मी के लिए
एक आमंत्रण है। हाँ, लेकिन जिनके घर में लक्ष्मी पोटली बनी हुई है, पूजन स्थल पर रखा हुआ है, उन्हें ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उससे बड़ा वाला कुछ कर रखा है। ये कुछ रेमेडीज हैं जो दिवाली में आपको करने चाहिए, जिससे घर में सेहत, स्वास्थ्य, रिश्ते, सुंदरता, वैभव सब आता है ना। तो मन को भी साफ रखना, कुछ भी गिले शिकवे हो ख़त्म कर लेना, लोगों को माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना, और जिन रिश्तों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उन रिश्तों से मुक्त हो जाना। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी रिश्तों से मुक्त होना चाहते हो तो उन्हें ऐसा लगे, जिनसे मुक्त होना चाहते हो उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने आपको छोड़ा, ना कि आपने उन्हें छोड़ा। बहुत पते की गहरी बात बोल रहा हूँ, समझ में थोड़ा लेट से आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति, सेहत, स्वास्थ्य, रिश्ते सब लेकर के आए। माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो आप सब पर। नमस्ते है जी।